पठान भाई, यानी कि हंसा हंसा के पागल कर देना, जो खुद भी हंसते हैं सबको भी हंसाते हैं। अलग स्टाइल है इनका, बात करने का भी, हंसने का भी, और पता नहीं कहाँ कहाँ से सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। तो आज पठान भाई की वीडियो है जो हिंदुस्तान और मोदी की आखिरी गलती होगी। यस, तो मोदी की आखिरी गलती बताने वाले हैं पठान भाई। तो इस पे देखते हैं आज का मिक्स मैसेज रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन देखने मजा आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हंसते हंसते नमस्कार, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, समय खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये हंसते हुए होते हैं। इनकी एक वीडियो पहले भी आई, मैंने समझ अपलोड में कर नहीं रखी। आती भाई, कौन से अल्फाज मैं अपने मुंह से निकालूं और क्या कहूं इन लोगों को। भाई मैं, हम तो समझा समझा के थक गए, पर ये लोग नहीं समझते भाई। एक शैतान बच्चा होता ओ है ना, अच्छा, जब तक पाकिस्तान की वो बात मार चल रही नहीं है दोस्त खाता वो इनकी सीधा नहीं होता। अब समझा मैं। मिसाइल क्या दाग दिया कि भाई बंदों में आग लगी हुई है, आग बगोले हो गए हैं, हैरान है, परेशान है, दुनिया परेशान बदल गई, जज्बात बदल गए। दिमाग बदल गया, ये लोग हैरान है, अब क्या कहें और क्या सरकार करें। बदल गई। तो भाई अब इसी चीज को लेके पता नहीं अजीब अजीब से वीडियोस बना रहे हैं भाई। वीडियो से ये लोग चाहते हैं कि वीडियो से हिंदुस्तान को मार दें। इनको नहीं पता कि YouTube पे भी हिंदुस्तान का ही राज है। राजे तो चलें दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, थोड़ी बहुत काट वाट के दिखा रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग समझ जाना ये वीडियो क्या है, उसके बाद करते हैं इसके ऊपर बात। भारत किसी भी शरारत से बाज रहे, क्योंकि भारत के सभी बड़े शहर पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर है। इंडिया की किसी भी बेवकूफी से वाह भैया, पहले इंडिया देखो को 100 बार सोच लेना मतलब चाहिए। सोच के भी ये नहीं कह रहे, भारत ये की कौन सी मीडिया है वहां गलती की। भारत की आखिरी गलती साबित हो सकती है, यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। मोदी जी किसी भी ना समझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लीजिए कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड हाथी का दांत खाने का हो सांस दिखाने का मिट्टी में हो। दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए कि नागपुर समेत पूरा महाराष्ट्र में पटना का इलाका चंद वाह सेकंड्स भाई, में बहुत इतना आसान होता है भाई साहब, अभी यूक्रेन तबाही हो जाता पूरा, इतना आसान होता जंग जीतना। का मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अब अभी हरकत में आया तो भारतीय शहर चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता की बुलंदों वाला इमारतें मिट्टी का ढेर बन जाए। भारत के जनूब में आखिरी शहर कन्याकुमारी को पाकिस्तान का शाहीन 2 मिसाइल रात का ढेर बना सकता है। दिल्ली में भाई बैठी हुई क्या है ये? पूरी सरकार का गजनवी और शाहीन 1 के शोर से ही धड़न तख्ता हो जाएगा। मुझे तो 3D पाकिस्तान पिक्चर लग रही जब है कोई। चाहे दिल्ली और उसके आसपास के सब इलाकों को आग के जंगल में तब्दील कर सकता है की तरह फजा में उड़ रहा होगा और दुनिया कह रही होगी मोदी अच्छा था, बस एक गलत फैसला उसको मरवा गया। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली। इन्हें भी बड़ी हंसी आ पला मिसाइल पला जगह को मार देगा, पुस्की मिसाइल दिल्ली को मार देगा, पला मिसाइल कन्याकुमारी को गई। मार देगा। इनको लगता है कि इनका एयर डिफेंस सो रहा था तो इंडिया भी सो रहा होगा जब तुम लोग मिसाइल मारोगे। अबे गुड़िया गुड़ी गुड़िये का गेम चल रहा है क्या बे? चुप्पन चुप्पी चल रही है क्या? तू दिल्ली को मारेगा, हाँ दिल्ली सोती रहेगी, तेरे मतलब को देखता रहेगा। तू साले मिसाइल मारेगा और इंडिया का S-400 जो है उसको लोग कपड़ा लगा के साफ करते रहेंगे उस वक्त। साले तू हाथ भी लगाएगा ना मिसाइल को, मिसाइल का मुंह भी सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ करेगा ना, तो तेल लगा के इतना मिसाइल मारेंगे जिंदगी भर याद रखेगा। तू गाने गा के मिसाइल मारता होगा और हिंदुस्तान तेल लगा के मिसाइल डाल भाई साहब क्या देगा। अभी तुम क्या लोग कुछ बेइज्जती भी बोलो, मारी भाई।
हमें तो भाई वही बात याद है और इसी पे ही हंसी आती है। गलती से मिसाइल दागी, तो कुछ भी बोल ले भाई, तू जितना भी रो ले हम हंसेंगे तेरे ऊपर, हम तेरे ऊपर हंसेंगे ही। तू जितना भी जोड़ लगा ले, तू जितने भी वीडियोस बना ले, तू जितने भी हो सके तेरे अंदर जितने भी बात करने की ताकत हो ना, तू मीडिया पे आके हंगामा मचा ले, लेकिन मिसाइल तो दाग दिया भाई वो आप ही चाहने वाला नहीं वो तो दोस्तों ये लोग एक बार फिर दरअसल ज्यादा घबराए हुए हैं कि भाई गलती से एक बार मिसाइल दाग दिया, दोबारा ना दाग दे, रियल में ना दाग दे अरे शुक्र मनाओ वो मिसाइल में बारूद नहीं था। वैसे तागी तो वो रियल में ही थी, पर बारूद नहीं था उसमें। तो साले तुम्हारी शलवार न्यूयॉर्क के बड़े टावर पे चिपकी होती है। मिलते हैं बाद में दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय। सच में यार ऐसा ऐसा के मतलब पागल कर देता है। वीडियो की स्टार्टिंग से इतनी हंसी आ रही थी जो स्टार्ट हुई थी ना जब वीडियो, कि आज का क्या टॉपिक है, अलग ही स्टाइल है पठान भाई का, इसलिए सब ना इनकी वीडियो देखना पसंद करते हैं। मूड रिफ्रेश कर देता है कि बंदा खुद की बातों पर हंस जाता है, दूसरे को भी हंसा देता है, बोलने का जो स्टाइल है वो भी एक अलग है। तो बहुत मजा आता है इनकी वीडियो देखने में। आपको अगर अच्छी मिक्स सेक्शन देखने मजा आया तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।